नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं नेहा द मायास हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं घर में रखी हुई हल्दी यानी कि किचन में रखी हुई हल्दी अपने शरीर के कई रोगों को दूर कर सकती है, कई रोगों में लाभकारी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हल्दी जो होती है घर में रखी हुई है, लेकिन अपन को इसकी नॉलेज तक नहीं है कि ये अपने शरीर के किन किन रोगों को दूर करने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको उन सभी रोगों के बारे में बताऊंगी जिनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है, रामबाण इलाज मानी जाती है, चमत्कारी औषधि मानी जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, नहीं तो आपकी जो जानकारी है वो पूरी तरीके से अधूरी रह जाएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं अगली वीडियो लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट कर देते हैं अपना वीडियो, यानी कि किचन में रखी हुई हल्दी के किन किन रोगों में लाभ माने जाते हैं, किन किन रोगों के उपचार में ये मदद कर सकती है। सबसे पहला होता है दोस्तों पायरिया, दूसरा होता है स्तन रोग, तीसरा होता है खांसी, चौथा होता है जुखाम, पांचवा होता है गठिया संबंधी समस्या, छठवा होता है ज्वर, सातवा होता है जीर्ण ज्वर। इन सभी रोगों इसके अलावा होता है त्वचा संबंधी समस्या यानी कि चर्म रोग। इन सभी रोगों के उपचार में दोस्तों एक छोटी सी हल्दी जो है वो अपने सभी प्रकार के रोगों को दूर करने में मदद करती है। नॉर्मली अक्सर दोस्तों अपन को जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो इनके लिए दोस्तों हल्दी एक रामबाण इलाज है, नहीं तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। हालांकि दवाइयों से सही हो जाता है, लेकिन आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं इन उपायों को, जिससे कि आपकी जो खांसी जुकाम पायरिया स्तन रोग और आपकी जो गठिया संबंधी समस्या है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। अब मैं आपको पूरी विधि एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से अपन को हल्दी का इस्तेमाल करना है, जिससे कि अपने पायरिया खांसी जुखाम स्तन रोग या फिर ज्वर जीर्ण ज्वर को दूर कर सकेगी। सबसे पहला होता है दोस्तों स्तन रोग। अगर आपको स्तन रोग है या फिर आपको स्तन संबंधी कोई भी समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है, जैसे कि आपके स्तन पर गांठ पड़ जाए, तो उस स्थिति में अपन हल्दी का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जो हल्दी का जो अर्क होता है और इसका जो लोध, इसे पानी में अच्छी तरीके से घोंट लेना है, पीस लेना है। इसका लेप बना करके दोस्तों अगर आप स्तन पर लगाते हैं तो ये स्तन रोग में काफ़ी ज़्यादा लाभकारी माना जाएगा। अगर दोस्तों आपको खांसी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा खांसी हो रही है, तो दोस्तों अपन को जो हल्दी है उसे अच्छी तरीके से भून लेना है। उसके 1 से 2 ग्राम चूर को अगर आप शहद के साथ, मधु के साथ अगर चाटते हैं, तो दोस्तों ये खांसी में भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी मानी जाएगी। अगर आपको जुकाम हो रहा है तो हल्दी को दोस्तों आप जलाएं, हल्दी को जलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है धुआं निकलेगा। उस धुएं को दोस्तों अपन को सूंघना है। उस धुएं को अगर आप सूंघते हैं और उसके ऊपर से आपको कुछ देर तक पानी नहीं पीना, तो दोस्तों ये आपके जुकाम को झट से दूर करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका जुकाम 1-2 दिन के अंदर ही छूमंतर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है पायरिया। अक्सर दोस्तों पायरिया की समस्या ज़्यादातर हर किसी में देखने को मिलती है, हर किसी को पायरिया की समस्या हो जाती है या फिर मसूड़ों में कोई तकलीफ या परेशानी होती है। कुछ भी ठंडा खाते हैं या ठंडा पीते हैं या फिर ठंडी आइसक्रीम कुछ भी लेते हैं तो उनके दांतों में लगती है, मसूड़ों में तकलीफ होती है, तो उस स्थिति में दोस्तों हल्दी एक रामबाण इलाज रहेगी जो कि आपके पायरिया की समस्या, मसूड़ों की तकलीफ को दूर करने में मदद करेगी। किस तरीके से मदद करेगी? सरसों का तेल लेना है, सेंधा नमक लेना है और तीसरी लेनी है हल्दी। इन तीनों को मिलाकर के दोस्तों अपन को मसूड़ों पर लगाना है। थोड़ी देर बाद दोस्तों अपन को गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेना है। तो दोस्तों जो आपकी पायरिया की समस्या है, जो मसूड़ों की तकलीफ है, वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। नेक्स्ट होता है दोस्तों आपका चर्म रोग यानी कि त्वचा संबंधी समस्या, जैसे कि आपके चेहरे पर फोड़े फुंसी या कोई भी त्वचा संबंधी समस्या हो जाए, तो दोस्तों अपन को हल्दी का 2 से 3 ग्राम चूंड लेना है और गौमूत्र उसके अंदर मिला करके आपको उसका सेवन करना है, तो आपकी जो त्वचा संबंधी समस्या है वो पूरी तरीके से दूर होगी और ये आपकी त्वचा को ग्लोइंग भी बनाने में मदद करेगा। लेकिन काफ़ी लोग नहीं इसका सेवन कर पाते हैं, क्योंकि गौमूत्र की वजह से नहीं सेवन कर पाते हैं, तो मैं एक और भी इसका उपाय बता सकती हूँ। जो हल्दी का चूर्ण है 1-2 ग्राम चूर्ण लें और उसका आपको मक्खन मिला करके अगर आप उसका
लेप लगाते हैं, जिस जगह पर आपके फोड़े फुंसी हो रहे हैं उस जगह पर अगर आप लेप लगाएंगे तो ये आपके त्वचा के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगा, फोड़े फुंसियों को दूर करने में मदद करेगा। नेक्स्ट होता है दोस्तों अपना ज्वर। अगर आपको बार बार बुखार आ रहा है, कुछ अंतराल के बाद बुखार आ रहा है, तो इस स्थिति में जो दारू हल्दी के बारे में आपने सुना होगा, दारू हल्दी की जो छाल होती है दोस्तों उसमें बहुत ही ज़्यादा बहुत सा कड़वा सत्व होता है, तो दोस्तों इसका प्रयोग अंतराल जो ज्वर आता है उसे तोड़ने में, उसे छोड़ने में काम करता है, ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। या फिर दोस्तों आपको जीर्ण ज्वर आ रहा है तो उस स्थिति में आपको दारू हल्दी की छाल, दारू हल्दी की जो छाल होती है उसका आपको 10 से 20 ग्राम क्वाथ का अगर आप सेवन करते हैं तो भी दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगा, आपके ज्वर को ठीक करने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो बेशक आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं हल्दी के चमत्कारी फ़ायदे, जिनके बारे में आपको नॉलेज तक नहीं थी कि ये हमारे पायरिया की समस्या को भी दूर कर सकता है या फिर गठिया संबंधी समस्या को भी दूर कर सकता है, बुखार को भी तोड़ सकता है। तो ये हैं दोस्तों हल्दी के कुछ बेनिफिट्स। अगर आपको खांसी, सर्दी, जुकाम, पायरिया या फिर ज्वर, जीर्ण ज्वर, स्तन रोग, कोई भी आपको समस्या हो रही है तो दोस्तों आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई औषधि के साथ। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मैं अगली वीडियो लेके आऊँ, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर दोस्तों आपको हल्दी के बारे में कोई और जानकारी जाननी चाहिए हो या फिर आप किसी और औषधि के बारे में जानकारी जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए टाइम अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।